स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में स्टेट लेवल की जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि आईटीआई की जो एडमिशन है अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट पर कहीं ना कहीं शुरू होते हैं। हालांकि जो फाइनल डेट होती है, आखिरी डेट, वो सभी स्टेट की एक होती है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। सभी स्टेट की जो प्रक्रिया है एडमिशन की, वो अलग है। तो फिलहाल मैं आपको जो लेटर दिखा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश का है, और अगर आप उत्तर प्रदेश से आईटीआई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये अपडेट है। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, आप आईटीआई जो है उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं। तो विभाग की तरफ से कल ये लेटर जारी किया गया था 6 जुलाई को, जिसमें ये बताया गया है कि जो ऑनलाइन आवेदन है, जो आईटीआई में, एक्चुअल में आप गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहें या प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, दोनों कंडीशन में आपको ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी होता है। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन अगर आप नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन आईटीआई में नहीं हो सकता। और ये जो आवेदन है, इसमें बात किया गया, हालांकि ये प्रेस विज्ञप्ति के बारे में है, प्रेस को बताया गया है कि जो आवेदन है हमारा आईटीआई में, यानी गवर्नमेंट आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई के लिए जो ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो उसके बारे में ये दिया गया है कि न्यूज़पेपर्स वगैरह को कि आप लोग इसे प्रिंट करिए, जानकारी दीजिए। तो फिलहाल ये वेबसाइट आपके सामने लिखा हुआ है scvtup.in। तो SCVT के नाम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअल में एडमिशन जो NCVT का होता है, वो भी SCVT के पोर्टल से ही होता है उत्तर प्रदेश में, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। स्टेट लेवल पर होता क्या है कि पहले स्टेट अपने यहाँ एडमिशन लेता है, उसके बाद DGT NCVT को ट्रांसफर करता है एडमिशन, ठीक है। तो ये इस वेबसाइट के थ्रू जो आवेदन लिया जाएगा अभी जो लोग 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए। और इसमें आप देखिए डेट दिया गया है, इसमें डेट है 7 जुलाई, यानी कि आज की डेट दी गई है। जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 7 जुलाई को शुरू होगी और 31 जुलाई तक चलेगी। और इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि अगर फॉर्म में आपकी कुछ गलती है तो 48 घंटे का, यहाँ पर लिखा हुआ कि ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की कतिपय त्रुटियों के संशोधन हेतु 2 दिन का समय दिया जाएगा। मतलब फॉर्म भरने के 48 आवर्स के अंदर आपकी अगर कोई मिस्टेक है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। बाकी फिलहाल यहाँ पर नीचे देख लें आवेदन शुल्क की, तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये है और अनुसूचित और अन्य कैटेगरी के लिए 150 रुपये है। ये आवेदन फीस है जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और बात करें, इस वेबसाइट को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हैं SCVT की, तो इस तरह से अभी ओपन हो रही है SCVTUP.in। तो अभी फिलहाल यहाँ पर एडमिशन का लिंक ओपन नहीं है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं, हो सकता हो 10 बजे या उसके बाद या शाम तक आज की डेट में फॉर्म आ जाए। कई बार होता है थोड़ा बहुत आगे पीछे आईटी सेल को मैसेज दिया गया होगा स्टेट के द्वारा, तो उसके बाद फिर वो उसको यहाँ पर पब्लिश करेंगे, तो थोड़ा बहुत समय आगे पीछे हो जाता है। हो सकता है आज या शाम तक आ जाए या सुबह 10 बजे के बाद आ जाए। तो इसी वेबसाइट पर आपको फॉर्म आ जाएगा, एडमिशन फॉर्म, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्लोबल आईटीआई का जो कॉलेज है, आर एन ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई, ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, अगर आप कहीं से भी हैं तो यहाँ से आप आईटीआई अगर करना चाहते हैं नए सत्र में तो आप आवेदन कर सकते हैं। जो कॉलेज का कोड है वो 3213 है। जो SCVTUP का आप जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज लिस्ट मिलेगी, वहाँ पर कॉलेज कोड 3213 है आर एन ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई का, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। और गाजीपुर जो है वाराणसी यानी बनारस का आपने नाम सुना होगा, तो बनारस से कॉलेज की लोकेशन 30 किलोमीटर दूर है, और अड़ियार जंक्शन भी पड़ता है जहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर है ये कॉलेज। और अगर आप फीस वगैरह और इससे रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं 10 से 3 बजे के बीच नीचे दिए गए नंबरों पर, जिससे आपको और भी कोई भी ऐसी डाउट हो या जानकारी चाहिए हो तो आप यहाँ पर ले सकते हैं एडमिशन से रिलेटेड। बाकी बात करें, आप आईटीआई परीक्षा की तैयारी करना चाहें तो ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। और अभी जब भी ये एडमिशन का जो फॉर्म है, आज की डेट है जब ये लाइव हो जाएगा, तो मैं आपको फॉर्म प्रॉपर एक ओपन करके उसे फिलअप करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आप भी फॉर्म अपना सही तरीके से भर लीजिएगा। होता क्या है कि जैसा आप फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें आप एंटर करते हो, वैसा ही डेटा कॉलेज के पास जाता है। फिर कॉलेज के पास संशोधन या चेंज करने का ऑप्शन इजिली अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या है, अगर आप गलत फॉर्म भरते हैं तो वही नाम आपका, जैसे आपने अपने नाम, पिता का नाम, मेन जो है ना, 4 चीज़ें कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और माता का नाम, इस हालांकि प्रिंटेड नहीं रहता है, माता का नाम और आधार कार्ड, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट हर जगह प्रिंट होते हैं। अगर आपने आवेदन करते समय ये चीज़ें गलत भर दिया तो बाद में वही आपकी आगे एडमिट कार्ड पर आएगा, वही आपकी मार्कशीट पर आएगा। संशोधन में बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बार मौके भी नहीं मिलते हैं, कई बार 2-4 साल से बच्चे परेशान रहते हैं।
तो आवेदन करते समय जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं, सही समय पर भरिए, लेकिन सही सही भरिए, कोई भी गलती आप लोग मत करिएगा। प्रोसेस में जब फॉर्म ओपन होगा तो एक बार दोबारा से वीडियो बना दूंगा, बाकी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। जैसे कि नॉर्मली फॉर्म भरते समय आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो होना चाहिए, जैसे OBC हैं, जनरल हैं, जो भी कैटेगरी के हैं। तो मोस्टली ये बेसिक से फॉर्म है, उसके अलावा और भी आप मतलब आपका कुछ अलग जैसे स्पोर्ट्स वगैरह या ऐसे कोटा या होता है ना, बहुत से और भी चीज़ें होती हैं जो आरक्षण के अंतर्गत आती हैं। तो अगर वैसा कुछ है तो वो भी सर्टिफिकेट आप अपना सब लेके एक जगह बैठिएगा, सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके उसके बाद फॉर्म को फिलअप करिएगा। हालांकि मैं वीडियो बना दूंगा तो आपको पता भी चल जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर डेटा देना है। डॉक्यूमेंट तो अपलोड ज़्यादा कुछ नहीं होता है, अपलोड में सिर्फ आपकी फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड होता है, पहले ऐसे ही होता था। इस बार फॉर्म ओपन होगा तो मैं आपको जो है पूरी प्रक्रिया बता दूंगा, जिससे आपको फॉर्म भरने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। बाकी आप ITI स्टूडेंट हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।